नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उपनगरी द्वारका में और यहां हम जानेंगे कि लगातार जो एमसीडी में मेयर का जो चुनाव बार बार टल रहा है और तीन बार मेयर का चुनाव टल चुका है, क्या आम जनता को इससे परेशानी हो रही है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं रॉबिन जी, आपका एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मैं एबीपी का धन्यवाद करता हूँ। रॉबिन जी, एमसीडी चुनाव हो चुका, 2 महीने बीत चुके, लेकिन मेयर अभी तक नहीं बना, क्यों? देखिए, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, मुझे जहाँ तक पता चला है आम आदमी पार्टी के लोग नहीं चाहते चुनाव हो, और कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही कि बीजेपी भी नहीं चाहती चुनाव हो, क्योंकि ये सिर्फ 3-4 महीने के लिए मेयर रहेगा और वो इस समय को टालना चाह रहे हैं दोनों पार्टी आपस में मिलकर। एनीवे, मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे इनकी राजनीति से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं यही कहूँगा कि दिल्ली को मेयर ना मिलने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी हम लोग एमसीडी में किसी भी बात को रखते हैं तो अधिकारी लोग हम लोग को यही कहते हैं कि भाई साहब, मेयर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, फंड्स एलोकेट नहीं हुए, बजटिंग नहीं हुई, इस तरह की समस्याओं में बताइए हम लोग कैसे काम करें। हम लोग बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। तो अगर हम द्वारका जैसे सब सिटी में रहते हैं, जिसको अब स्मार्ट सिटी भी कई लोग मानते हैं कि ये बनने जा रही है, तो ऐसे जगह पर अगर ऐसी समस्या आती है तो जो अनऑथराइज कॉलोनीज और बाकी जगह पर तो कितनी बुरी स्थिति होती होगी। इसलिए मेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग बैठें और इस मामले को रिजॉल्व करें। मेयर किसी का भी बने, लेकिन दिल्ली को मेयर ज़रूर चाहिए। जो एमसीडी नियम के अनुसार हर साल अप्रैल में मेयर का चुनाव होता है, लेकिन उससे पहले मेयर का चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जानबूझ के ये तो टाल नहीं रही है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी तो 2 महीने के लिए मेयर तो कोई नहीं बनना चाहेगा। नहीं, बनना चाहेगा तो छोड़ देना, वो बोल दे कि बीजेपी 2 महीने के लिए अपना मेयर बना ले, फिर वो क्यों जिद कर रहे हैं कि हमारे पास 150 से ज़्यादा संख्या और इतना कुछ और बीजेपी के लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब भाई इतनी संख्या ही है तो आराम से होने दे मेयर का चुनाव। हमने पहले जितने बार भी टीवी पर देखा तो यही देखा कि आम आदमी पार्टी के लोग ही उठ के सामने आए और उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, महिला पार्षदों के साथ भी झगड़ा किया, अफसरों के साथ भी झगड़ा किया है। मैं केवल इतना कहूँगा, आम आदमी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो लोग थोड़ा समझदारी से काम लें और दिल्ली को मेयर दें। अलगाववाद की भूमिका से कभी भी दिल्ली का भला नहीं होने वाला। आपसे लास्ट सवाल की जो मेयर नहीं बनने से आपको क्या क्या परेशानी, यानी आम लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? सर, जब मेयर ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं, जोन के चेयरमैन्स बने नहीं, जोन के तमाम जो दूसरी जो बॉडीज़ बनती है, एजुकेशन कमेटी बनती है, फाइनेंस कमेटी बनती है, सारी चीज़ें बनती हैं, कुछ बना ही नहीं है। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो अफसरशाही हावी है, बजट ही नहीं आ रहा, तो आगे काम कैसे होगा? हमारे यहाँ पे 350 पार्क है और 38 माली काम कर रहे हैं। 350 पार्कों को एमसीडी के क्या 38 मालिक संभालेंगे? उसके लिए बजट का प्रावधान करना होगा और तमाम चीज़ें करनी होंगी। सफाई कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिलता, कितने सफाई कर्मचारी बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बजट चाहिए, फंड चाहिए। तो और इनकी घटिया राजनीति के चक्कर में वो बेचारे गरीब लोग जो सफाई कर्मचारी है वो पीड़ित हो रहे हैं। अगर मेरा सफाई कर्मचारी पीड़ित है तो मैं भी पीड़ित हूँ। मेरे गली मोहल्ले की सफाई वो सही तरह से नहीं करेगा तो मुझे तो पीड़ा होगी ना। ये सारा दंश है जो मेयर ना होने की वजह से एक आम दिल्ली वाला भुगत रहा और मैं भी भुगत रहा हूँ। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी लोग महिलाएँ हैं ज़्यादातर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि मेयर ना बनने से क्या परेशानी उन्हें हो रही है। क्या नाम आपका? इंदु राजपूत। राजपूत जी, मेयर नहीं बन पा रहे, लगातार 3 बार मेयर का चुनाव हुआ लेकिन वहाँ पे हो हंगामे के बाद मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? ये सब राजनीतिक स्टंट है, जैसा कि रोबिन भाई ने बताया अभी, उसका भुगतान तो जनता को करना और कर ही रही है जनता। बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लोग लेके भी आए आम आदमी पार्टी को कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं हटेंगे। अब पहाड़ हटाने के लिए कोई तो कोई सरप्रस्त चाहिए, उसके लिए मेयर नहीं आएगा तो कूड़े के पहाड़ कहाँ से हटेंगे? तो हमारा तो यही आग्रह है कि दोनों पार्टियां अपने मुद्दों को अलग रखें और जनता के बारे में सोचें, क्योंकि उनका दायित्व है सोचना। चाहे आम आदमी पार्टी आई चाहे बीजेपी आई है, लेकिन जनता को राहत देना उनका काम है। हम तो दोनों से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द मेयर बनाएं और इन कामों को ख़त्म करें जिन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी आई है दिल्ली में। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? सर, मेरा नाम प्रीत सिंह है और मैं द्वारका में ही रहता हूँ। आप इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेयर क्यों नहीं बना, मेयर बना या ना बना, पब्लिक अपना काम देख मतदान करके फारिग हो चुकी है। ये इन दलों का काम है कि अपना मेयर ये कब तक चुनते हैं। एयर पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली में कोई बात नहीं कर रहा। आज हम लोग यहाँ एकजुट हुए थे और हमने विरोध किया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक का।
एमसीडी के साथ एसोसिएट होकर हम लोगों ने यहाँ किया था। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कूड़े के पहाड़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, गली सड़कों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वर्तमान में पार्कों की क्या स्थिति है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये लोग बचने के बहाने हैं कि मेयर जब तक चुना नहीं जाएगा, जब तक कोई संबंधित अधिकारी नहीं होगा, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तो ये जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक समय बिताते जा रहे हैं कि अगला चुनाव आएगा तो नए मुद्दे खड़े कर देंगे। और इन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि एक राजनीतिक दल जिसे जनता ने चुना, उसने जगह जगह पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगाकर ये दिखाया कि मैं ये कूड़े के पहाड़ है और मैंने समाप्त कर दूंगा। लेकिन समाप्ति के नाम पर मुझे लग रहा है उसकी भी यमुना जैसी स्थिति होने वाली है। जैसे ये बोलते थे यमुना में नहाने लायक मैं बना दूंगा, यमुना में इस साल आप डुबकी लगा लेंगे, उस साल डुबकी लगा लेंगे, और जब फाइनली रिपोर्ट सौंपने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि अब यमुना कभी नहाने के लायक बनी नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है ये स्थिति इनकी कूड़े के पहाड़ वाली भी वही होने वाली है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए इस देश के राजनेताओं को कि G20 में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे देश में ऑक्सीजन को नापने का कोई यंत्र नहीं है। आपको मनुष्यों के ऊपर कोई तरस नहीं आता, नहीं आए लगभग, लेकिन ये जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जगत है, ये जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनका तो थोड़ा सा ध्यान रखो। इनके पास ये इस तरह के यंत्र ही नहीं है कि जो मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन को नापा जा सके। तो ये सरकारें फेल हो चुकी हैं। इसके ऊपर जनता को गंभीरता से एक बार दोबारा विचार करना होगा कि ये मेयर नहीं चुन रहे हैं, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश की जनता के साथ या उनके अधिकारों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एक छोटे चिकित्सालय MCD चलाती है उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। MCD का सबसे बड़ा एक काम है कि सड़क पर घूमने वाले घुमंतू आवारा पशुओं के रखरखाव की, उनके भोजन की और उनके चिकित्सा की जिम्मेदारी नगर निगम की है। जब तक मेयर नहीं चुना जाएगा, ये बॉडीज़ निर्धारित नहीं होंगी, जब तक उनके पशुओं की चिकित्सा का क्या होगा, उनके भोजन के प्रबंध का क्या होगा। गाय सड़कों पर धक्के खा रही हैं, आए दिन चोटिल हो जाती हैं, समाज के लोग चोटिल हो जाते हैं, ड्राइव करते हैं उन्हें चोट लग जाती है, सब MCD की जिम्मेदारी है। MCD टोटली फेल है। ये लोग बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वालों से, उन्हें परेशान कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना सिन्हा है। अंजना जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं द्वारका सेक्टर 12 में रहती हूँ और वहाँ DDA सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ। मेयर लगातार 3 बार चुनाव हो चुका है मेयर का, लेकिन अभी तक नहीं चुना जा चुका है। तो आपको मेयर ना बनने से आपके क्षेत्र में जो MCD द्वारा कार्य कर जो भी काम होता है, क्या वो काम हो रहा है या परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल नहीं, और इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैं एक DDA सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ जहाँ टोटल काम MCD के थ्रू होता है। और आज जैसे हमारा लाइट ख़राब हो गया तो बंदे स्ट्राइक पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिल रही है। तो मेयर का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। आपसी रंजिश इनकी क्या है, वो BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, उससे हमें जनता को नहीं मतलब है। जनता ने चुन के ला दिया जिसको लाना था। मोटिव है कि अब कुछ काम किया जाए, और जब तक मेयर का चुनाव नहीं होगा काम नहीं होगा। हम आए दिन अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका यही होता है जैसा रॉबिन भाई ने बताया कि हमारे पास बजट नहीं है, अभी मेयर नहीं चुना गया, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं आए, तो काम कैसे होगा। तो इससे जनता को परेशानी हो रही है। वो तो अपने क्षेत्र में सुखी से रह रहे हैं जो भी चुन के आए गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगली बार से हम वोट ही ना दें, हम नोटा पर चले जाएँ। हम चुन के क्यों लाए हैं इनको? तो अगली बार हमारा अगर यही हाल रहा तो हम नोटा पे ही जाएंगे, हम विरोध करेंगे इलेक्शन का भी। आप क्या कहेंगी? सर मेरा भी यही कहना है कि राजनीति टोटल हो रही है। और दूसरा ये है कि अगर दोनों ही पार्टी अगर मेयर नहीं चाहती है तो फिर इन्होंने जनता से वोट क्यों लिया? ये जनता के दरवाजे में तब तो भीख मांगने चले जाते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है। आज ये इन्होंने कोई भी मेयर के लिए कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, और सारी लड़ाई है दोनों की तो राजनीति के ही है, बाकी तो और कुछ है नहीं। पहुँच करो। कौन? और भी लोगों से हम बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ रहती है? मेरा नाम अरुणा सिंह है और मैं वृंदावन सोसाइटी सेक्टर 12 में रहती हूँ। यानी आप द्वारका में ही रहती हैं? तो द्वारका में MCD का मेयर नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से कामकाज हो रहा है अब जो MCD के द्वारा हो रहा है। तो आ रही है प्रॉब्लम, तो है मेयर न होने से प्रॉब्लम है। और हम यही चाहेंगे कि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो आपस में मिलकर के बात करके एक मेयर दिल्ली में चाहिए जो ठीक से काम करे और हमारे लिए भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स मतलब जनता को होती है, पब्लिक प्रॉब्लम में आती है, लीडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस चीज़ों को दोनों पार्टी समझे और हमें मेयर दे। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं और या पुरुष थे, सभी लोगों ने कहा कि मेयर ना बनाना राजनीति हो रही है। लोगों के लिए कोई भी, दोनों में से कोई भी पार्टी चिंता नहीं कर रही है, चाहे वो BJP हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी अपने राजनीति के चक्कर में ये मेयर के चुनाव को टाल रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है। अभिषेक नयन, ABP न्यूज़, दिल्ली।